जी तो योगेंद्र जी, अब चुनौती ये है कि कैसे सत्ता को राजनीतिक सबक सिखाया जाए, कैसे उसे इस बात के लिए तैयार किया जाए कि किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो अपनी जगह बहुत दुरुस्त हैं, जिसको मानने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। और आप लोगों का ही कहना है कि जब तक उनकी राजनीति पर चोट नहीं पड़ेगी, जब तक उनकी सत्ता डगमगाएगी नहीं, तब तक उनकी समझ में नहीं आएगी। अब ये एक बड़ा प्रयोग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, जो चुनौती भी है मैं समझता हूँ किसानों के लिए, इसकी किस तरह से तैयारी है? और इस पृष्ठभूमि को मैं चाहूंगा जोड़ कर देखा जाए, जो हरियाणा में लगातार हम देख रहे हैं 20-25 बार किसानों पर लाठीचार्ज हुए हैं, सर फूटे हैं, उनके खिलाफ 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जब गतिविधियां बढ़ेंगी तो, और चुनाव के पहले, तो योगी सरकार कोई खट्टर साहब से उदार तो नहीं है, तो ये चुनौती भी साथ में। जी पहले हरियाणा के संदर्भ पे थोड़ी सी बात कर दूं, क्योंकि करनाल वाली घरौंदा वाली घटना के बाद से बहुत आक्रोश है, रोष है और तमाम तरह का मिथ्या प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो करनाल में हुआ उसमें एक नहीं पांच पांच इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पहली बात, किसानों ने मांगा था, करनाल के हमारे किसानों ने सिर्फ एक बात कही थी कि हम ये वो मीटिंग कर रहे हैं, हम उन्हें काले झंडा दिखाना चाहते हैं। और इस घटना से एक दिन पहले करनाल पुलिस ने कहा ठीक है, आप घंटाघर चौक के पास एक जगह है वहां पे खड़े होके, जो कि मीटिंग की साइट से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां खड़े होके आप झंडा दिखा देना, काले झंडे। किसानों ने कहा हाँ ठीक है, हम ये करना चाहते हैं। लेकिन उस दिन सुबह पूरे करनाल को छावनी में बदल दिया, घंटाघर चौक तो छोड़िए, लोगों को अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया गया उस दिन। पहली टूट जो, दूसरा वो बात जो कि एसडीएम ने कही, जिनका नाम ही मैं तो समझता हूँ अब आयुष सिरफोड़ सिन्हा बना देना चाहिए, जब भी कहीं नेम प्लेट लगे तो किसी को आयुष सिरफोड़ उसमें जोड़ देना चाहिए। एसडीएम ने जो बात कही, याद रखिए चीफ मिनिस्टर के अपने शहर में, चीफ मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिम्मत नहीं हो सकती किसी एसडीएम की ये बात कहने की जब तक उसे सीधे मुख्यमंत्री से आदेश ना हो। तीसरा जो लाठी चार्ज हुआ, याद रखिए लाठी चार्ज वहां नहीं हुआ जहां मजिस्ट्रेट ने ये बात कही थी, वो एक दूसरे मजिस्ट्रेट के चार्ज में हुआ। बीजेपी वाले इसको तर्क के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए ये तो दो अलग जगह, मैं तो कहता हूं इससे तो आपका भांडा पूरी तरह फूटता है। इसका मतलब है कि वहां पे तमाम मजिस्ट्रेट ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, ये बेचारा पकड़ा गया वीडियो के ऊपर, बाकी पकड़े नहीं गए। लेकिन सर तो फोड़ा दूसरों ने, वही जो ये व्यक्ति कह रहा था 12 किलोमीटर दूर क्यों फोड़ा गया, क्योंकि सबको ऑर्डर थे और ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से थे। चौथी बात, पुलिस ने खाली लाठी चार्ज नहीं किया, लाठी चार्ज तो डिस्पर्स करने के लिए किया जाता है, मारना, बैठा के हमला करना, कार तोड़ना, लोगों के नाक तोड़ना, सर तोड़ना, जिसमें हमारा एक किसान शहीद हुआ है, ये लाठी चार्ज के तहत भी नहीं आता है। लाठी चार्ज का मतलब होता है आप खदेड़ दीजिए लोगों को, ये लाठी चार्ज नहीं है, ये हमला हुआ है किसानों पे। और पांचवी और सबसे शर्मनाक बात, ये सब होने के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है, शब्दों के चयन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, मैं आपका सर फोड़ दूं और उसके बाद कहूं शब्दों के चयन में थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई है, ने शर्म नहीं आती इन लोगों को। सच बात यह है हरियाणा सरकार इस वक्त किसानों के साथ युद्ध में लगी हुई है, अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, क्योंकि इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे किसान, क्योंकि सरकार की वैधता समाप्त हो गई है, क्योंकि इनके एमएलए एमपी नेताओं की हिम्मत नहीं है कि अपने इलाके में जा सकें, खुद मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि 35 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से मोरनी हिल्स में हेलीकॉप्टर से जाते हैं, दो दो हेलीपैड बनाते हैं, एक किसान जिसमें किसान जाते हैं, दूसरा झूठे से रातों रात एक दूसरा हेलीपैड बनाते हैं, ये स्थिति आ गई है, ये सच्चाई है। उस संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूं, क्योंकि हकीकत यह है कि अपनी वैधता खोती हुई इस सरकार को अब दमन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सरकार अहंकार से ग्रस्त है, सच कहूं तो मैं खट्टर जी को भी दोष नहीं देता ना, तो वो बेचारा एसडीएम तो बिल्कुल ही एक छोटा सा मोहरा है इस खेल के अंदर, और खट्टर साहब भी छोटे से मोहरे हैं। सच ये है इस देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी है, सब कुछ सुलझ चुका है, बीजेपी के नेता खुद प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ चुके हैं, भाई इनकी बात मान लो, किसानों को जाने दो, हमारी राजनीति खत्म हो रही है, प्रधानमंत्री का अहंकार है, मानता नहीं। अब अहंकार की दवाई तो करनी पड़ेगी देश की जनता को,
तो पिछले 9 महीने से किसान दवा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को ठीक करने के लिए, बाकी साधारण गोली से काम नहीं चला, तो अब बंगाल में एक इंजेक्शन दिया छोटा सा, उस इंजेक्शन से कुछ असर हुआ, मैं समझता हूँ मरीज में थोड़ा सा सुधार हुआ उसकी स्थिति में, पूरा ठीक नहीं हो पाया, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में इंजेक्शन देना पड़ेगा। किसान वहां पहुंच रहे हैं। ये जो रैली है 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर की रैली, मैं समझता हूँ वो मुजफ्फरनगर की रैली दिखा देगी कि भाई जनता किसानों के साथ है या नहीं है। अगर है तो मैं समझता हूँ संकेत जाएगा, और इस सत्ता को केवल और केवल एक बात समझ आती है, इन्हें ना कानून समझ आता, ये तो करनाल से स्पष्ट हो गया, संविधान इन्हें नहीं स्पष्ट आता, इंसानियत इनमें मर चुकी है, इन्हें केवल और केवल वोट की भाषा समझ आती है। तो ठीक है भाई, अगर आपको कुर्सी का हिलना है, वो कहते हैं ना इंद्र का सिंहासन जब डोलता था तभी कुछ होता था, तो अब ठीक है भाई, अगर इंद्र सिंहासन डोलने के सिवा कुछ सुनते ही नहीं है तो सिंहासन डोलने की बात होगी, और आप देखिएगा 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में सिंहासन डोलने की शुरुआत होती है कि नहीं, इसका मूल्यांकन आप कीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।